खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के नेतृत्व में बुधवार को कई दिग्गज कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पौड़ी के नए बस अड्डे में बीजेपी द्वारा अनिल बलूनी के संबोधन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस से त्याग पत्र देने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशर सिंह नेगी, पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक कुक्षाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोट नवल किशोर भी इस दौरान ब्लॉक प्रमुख भी इनके साथ में तमाम, अगर बात की जाए तो दर्जनों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो उत्तराखंड और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ दे। जनता ने पूरा चुनाव को टेकओवर कर लिया है। अब चुनाव नेताओं के हाथ से जनता के हाथ में चला गया, जनता निकल रही है घर से मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, मोदी जी की सरकार को 400 पार कराने के लिए सब लोग और हमने तय किया है कि इस पूरे गढ़वाल में कोई नकारात्मकता की राजनीति, कोई नेगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, केवल विकास की राजनीति करेंगे, केवल नौनिहालों को रोजगार की राजनीति करेंगे, केवल यहाँ के विकास की बात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सुदीप, अगर बात करें उत्तराखंड में तो इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर तो है, लेकिन जिस तरीके से दर्जनों कांग्रेसियों ने भी इस दौरान बीजेपी का दामन थाम लिया, थोड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूँ, बीजेपी हर मोर्चे पर लीड ले रही है। प्रत्याशी पहले लेकर आई, चयन उनके नामांकन की तिथि फाइनल कर ली। पौड़ी से जो लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, राज्यसभा सदस्य रहे और वरिष्ठ नेता हैं अनिल बलूनी, वो कोर्ट द्वार में एक जनता से मुलाकात के लिए रैली निकाल चुके हैं और प्रतिदिन वो लोगों के बीच में हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी में अनिल बलूनी में प्रधानमंत्री के कामकाज पर विश्वास जताया है और अनिल बलूनी ने एक बहुत बड़ी बात की है कि वो नकारात्मकता से कोसों दूर हैं। वो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नौनिहालों को रोजगार के लिए, गढ़वाल को चमकाने के लिए आए हैं। तो अब पॉजिटिव वे पर राजनीति है, यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, अपनी बात कह रहे हैं अनिल बलूनी, जो उनका एक विजन है। उन्होंने कई ट्रेनों की सौगात दी, समय समय पर केंद्र से, हम सुनते ही थे कि राज्यसभा सांसद होते हैं, परंतु अनिल बलूनी ऐसे व्यक्ति थे जो रेल, चाहे रेल गढ़वाल से संचालित करने की बात हो, कोविड के समय में मदद करने की बात हो, कई महत्वपूर्ण योजनाएं परियोजनाएं वो उत्तराखंड के लिए लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के वो बेहद करीबी और विश्वास पात्र भी हैं और जिस प्रकार से वो इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं वो बताता है कि अनिल बलूनी एक बहुत बड़ी तैयारी से आए हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम भी काम कर रही है जो उनके सपोर्टिव हैंड के रूप में है। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए सुदीप जैन, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।